आज जो चैप्टर हम करने वाले हैं उसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, बेसिकली सीधे सीधे शब्दों में अगर बोलें तो ये अपना हॉर्मोन्स वाला चैप्टर है। ठीक है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर हम करेंगे बाद में, पहले हम इसको निपटाएंगे। ठीक है, देखो तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें करना क्या है, हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है, हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एक खास बात होती है कि इनमें जो डक्ट्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर जो डक्ट्स होती हैं वो अब्सेंट होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक्स डक्ट्स। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है डक्टलेस ग्लैंड। देखो सिंपल सी बात है, अगर डक्ट इनमें अब्सेंट होगी तो ग्लैंड कैसे हो गए, डक्टलेस ग्लैंड हो गए। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या होता है ना, किसका फंक्शन, एंडोक्राइन ग्लैंड, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है, डक्टलेस ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है कि ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। ये सिक्रीट करते हैं किसको, हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। अब हॉर्मोन्स की डेफिनेशन में, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसको मैंने यहां पे खोल के रख दिया। ठीक है, तो हॉर्मोन्स की डेफिनेशन जो अपनी एनसीईआरटी में लिखी है उसमें आपको तीन पॉइंट मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या बोलता है कि हॉर्मोन्स अपने नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है एनसीईआरटी का, कि हॉर्मोन्स अपने नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि हॉर्मोन्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। दूसरा पॉइंट क्या बोला, हॉर्मोन्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। हॉर्मोन्स की डेफिनेशन में हमने तीन पॉइंट किए कि हॉर्मोन्स, पहला पॉइंट क्या बोलता है कि हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि हॉर्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। और तीसरा पॉइंट क्या बोला कि हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ठीक है, अब एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम की, है ना। तो इन वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स की थोड़ी सी हल्की सी कंफ्यूजन कर लेते हैं। देखो ये बेसिकली आपका बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल ही कवर हो जाएगा। देखो इन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कैसे हैं, पुराने एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, पिछड़े हुए एनिमल्स हैं। और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो ये क्या है, एडवांस एनिमल है ना, इनमें एडवांस फीचर आ गए। तो अब किसी भी सिस्टम की बात कर लो, चाहे एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर लो, चाहे नर्वस सिस्टम की बात कर लो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लो, चाहे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लो, तो सारे के सारे सिस्टम क्या है, इन वर्टिब्रेट्स में कैसे होंगे, बहुत सिंपल होंगे। और वर्टिब्रेट्स में कैसे हो जाएंगे, थोड़े एडवांस हो जाएंगे, तो सेम ऐसे ही एंडोक्राइन सिस्टम भी कैसा है, इन वर्टिब्रेट्स में कैसा है, सिंपल है। और वर्टिब्रेट्स में कैसा हो गया, एडवांस हो गया। ठीक है, और हॉर्मोन्स की बात करें तो इन वर्टिब्रेट्स में बहुत कम हॉर्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में। और जहां वर्टिब्रेट्स की बात करें, हमारी खुद की ही बात कर लो, कितने ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ हॉर्मोन है ना, कोई थायराइड हॉर्मोन है ना, कोई अपना पिट्यूटरी ग्लैंड से कितने सारे, कोई ग्रोथ हॉर्मोन है, कोई LH है, कोई FSH है, मतलब बहुत टाइप के हॉर्मोन वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं। तो इन वर्टिब्रेट्स का जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो क्या है, सिंपलर साइड है, कि ये प्रिमिटिव एनिमल हैं, ये पिछड़े हुए एनिमल हैं। और वर्टिब्रेट्स अपने थोड़े एडवांस एनिमल आ गए, तो इसमें सिस्टम भी कैसा हो गया, एडवांस हो गया, और लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन इनमें होते हैं, और इनमें फ्यू मतलब बहुत थोड़े हार्मोन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, किसकी, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की, है ना। मतलब हमें खुद के बारे में पढ़ना है ना, मेरे बारे में, आपके बारे में हमें पढ़ना है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहां पे एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या आएगा, है ना। पहला सवाल तो यही उठता है कि ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम किस किस चीज को इन्वॉल्व करें। तो सिंपल सी बात है, देखो सिंपल सी बात है, जो भी बॉडी में जो भी चीज अपनी हॉर्मोन, बॉडी में जो भी चीज हॉर्मोन रिलीज कर रही है, उसी को हम किस में मिला देंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में मिला देंगे। अब बॉडी में हॉर्मोन कौन कौन रिलीज कर रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड तो कर
कर ही रहे हैं ना, हमने बात की थी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो इसमें आएंगे ही आएंगे। और बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स है ना, बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा अदर ऑर्गन और भी ऐसे ऑर्गन है, जैसे कि GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ये भी अपने क्या है हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, इसीलिए हमने इनको भी कहां डाल दिया, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड कर दिया है ना। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सी चीजें आई जो हॉर्मोन रिलीज करती हैं। अब हॉर्मोन कौन रिलीज करती हैं, एक तो अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स करते हैं, प्लस कौन से ऐसे ऑर्गन जो हॉर्मोन रिलीज करते हैं उनको भी हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में डाल दिया, जैसे कि GIT है, लीवर है, किडनी है, हार्ट। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन से ग्लैंड्स अपने पास हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, पेनक्रियास है, थाइमस है, पैराथायरॉइड है और अपने गोनड्स है ना, ये हमें बारी बारी से पढ़ने हैं। और अदर ऑर्गन हम देख चुके हैं, GIT है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है। ठीक है, तो बेसिकली अब हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे होता है और कौन से हार्मोन सीक्रेट करता है, पीनियल ग्लैंड के हार्मोन, थायराइड के हार्मोन, एड्रीनल के हार्मोन, पैनक्रियास के हार्मोन, थाइमस के हार्मोन, सबके हार्मोन हमें पढ़ने हैं। और इधर भी सेम ऐसे ही कि GIT से कौन से हार्मोन होते हैं, लीवर से कौन से हार्मोन होते हैं, किडनी से कौन से हैं, हार्ट से कौन से, और उनके फंक्शन पढ़ने हैं। तो पूरे चैप्टर में बेसिकली हमें यही पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे और फिर ये अदर ऑर्गन्स वाला पोर्शन हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं जा रहा हूं यहां पे अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ। ठीक है, एक देखो ये NCERT का डायग्राम है, ये थोड़ा ध्यान में रख लेंगे कि हमें ग्लैंड्स के बारे में बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा ग्लैंड कहां पे है ना, जैसे हाइपोथैलेमस यहां, पीनियल यहां, पिट्यूटरी यहां ना, तो बेसिक आइडिया क्या लग रहा है कि हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी ये ब्रेन के आसपास है, थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड ये सबको पता होता है गले के आसपास आएंगे, थाइमस अपना हार्ट के आसपास आ जाएगा, फिर नीचे पैंक्रियाज आ गया, एड्रीनल अपना ठीक किडनी के ऊपर होता है। ठीक है, और ओवरी, टेस्टिस तो अपने कहां पे होते हैं, ये सबको पता है, बेसिक आइडिया लग गया। अब देखो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ना चाहिए, बट इससे पहले हम पढ़ेंगे किसको, हाइपोथैलेमस को है ना, और क्यों पढ़ेंगे ये बात आपको अभी पता लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस होता कहां पे है और कैसे होता है। देखो ये मैंने जो ब्लू कलर का जो बॉक्स बनाया है, ये है अपना थैलेमस, ये है अपना थैलेमस। ठीक है, तो अब देखो थैलेमस से ऊपर एक स्ट्रक्चर है और थैलेमस के नीचे एक स्ट्रक्चर है। अब कोई स्ट्रक्चर जब किसी के ऊपर होती है तो ऊपर के लिए वर्ड यूज होता है एपी और नीचे के लिए यूज होता है हाइपो, हाइपो मतलब नीचे, एपी मतलब ऊपर, और किसके ऊपर है, थैलेमस के ऊपर, तो हो जाएगी एपिथैलेमस और नीचे वाली हो जाएगी हाइपोथैलेमस है ना। तो हमें क्लियरली समझ में आ गया कि हाइपोथैलेमस कहां प्रेजेंट होता है और कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं इन तीन चीजों को मिला दूं कि एपिथैलेमस प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, इन तीन चीजों को मिला दूं तो हम क्या बोल देंगे इसको, डायन्सीफेलोन बोल देंगे। अब डायन्सीफेलोन में हमारे पास क्या क्या आया, एपिथैलेमस प्लस थैलेमस प्लस हाइपोथैलेमस, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही है, इतनी अब बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस में हॉर्मोन्स कैसे हैं और वो क्या करते हैं। ये हाइपोथैलेमस के अपने हॉर्मोन है ना, ये पूरा एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है ना आपके पैराग्राफ में, वो पूरा इस फ्लो से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो हाइपोथैलेमस के अंदर क्या होती हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं। बिल्कुल फ्लो को पकड़ना बिल्कुल आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो हाइपोथैलेमस के अंदर, हाइपोथैलेमस कंटेन्स न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स और इन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोल दिया जाता है। अब ये जो न्यूक्लियाई है ये क्या सिक्रेट करती हैं, हॉर्मोन सिक्रेट करती हैं। एक बार फिर से इस फ्लो को समझूंगे, हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियाई, जिनको हम नाम दे देते हैं। अब ये न्यूक्लियाई का फंक्शन क्या है, ये हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है। बिल्कुल ये फ्लो समझ में आ गया, हाँ हम कहां तक पहुंच चुके हैं,
हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स तक हम पहुंच चुके हैं। तो अब हम हाइपोथैलेमस, देखो हाइपोथैलेमस के हम हॉर्मोन्स तक पहुंच चुके हैं, अब हम इनका फंक्शन देख रहे हैं। देखो बेसिकली होगा क्या, हाइपोथैलेमस के जो भी हॉर्मोन है ना, हाइपोथैलेमस के जो भी हॉर्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, है ना। रेगुलेट कैसे करेंगे, या तो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को बढ़ा देंगे या पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को घटा देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो मैंने अभी अभी क्या बोला कि हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को या तो बढ़ा देंगे, मतलब रिलीजिंग, मतलब इंक्रीज कर देंगे, स्टिमुलेट कर देंगे, है ना। दूसरी तरफ मैंने क्या बोला कि हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स क्या है, पिट्यूटरी हॉर्मोन्स की सिक्रीशन को घटा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, यानी इनहिबिटिंग। इनहिबिटिंग मतलब ऐसे हाइपोथैलेमिक हॉर्मोन्स जो पिट्यूटरी हॉर्मोन की सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे, और रिलीजिंग वाले क्या करेंगे, पिट्यूटरी की सिक्रीशन को रिलीज यानी स्टिमुलेट करेंगे और ज्यादा। और इनके एग्जाम्पल क्या दिए हुए एनसीईआरटी में, हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हॉर्मोन का एग्जाम्पल दिया है गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, नाम में आ रहा है रिलीजिंग हार्मोन, है ना। अब ये नाम से ही कवर हो रहा है, क्या करेगा ये, गोनेडोट्रोपिन्स की सिक्रीशन को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और कहां से करेगा, है ना। ये तो हम कर चुके हैं कि हाइपोथैलेमस की कहां करेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन्स पे इसका एक्शन होता है। और इधर अगर इनहिबिटिंग में बात करें तो इसका एग्जांपल है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ये बात तो क्लियर है कि ये इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, पिट्यूटरी हार्मोन की सिक्रीशन को, है ना। और कौन से हार्मोन की सिक्रीशन को, तो ग्रोथ हार्मोन, है ना। ग्रोथ हार्मोन किससे रिलीज होता है, पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। तो ये क्या करेगा, इसकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा था उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। ये याद रखना है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिलीजिंग कौन सा एग्जांपल दिया हुआ है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग में दिया हुआ है सोमेटोस्टेटिन। हाँ, देखो गोनेडोट्रोपिन तो गोनेडोट्रोपिन आपको याद आ जाएगा, बट सोमेटोस्टेटिन याद रखना ग्रोथ हार्मोन के रिलेटेड है, ग्रोथ हार्मोन के रिलेटेड है, ठीक है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है, हाइपोथैलेमस अपना क्लियर हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अपने पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन पिट्यूटरी की सिक्रीशंस को रेगुलेट करते हैं, तो सीधी सी बात है यार कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच गहरा संबंध है ना। तो इनकी हम लोकेशन देख लेते हैं कि कैसे कैसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ, देखो ये अपना हाइपोथैलेमस है, ये अपना हाइपोथैलेमस है, और ये अपना क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जुड़े हुए हैं एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से, एक स्टॉक से जुड़े हुए हैं, जिसको हमने बोल दिया इन्फंडिबुलम, या इसको बोल दो पिट्यूटरी स्टॉक बोल देते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो एक बोनी कैविटी, देखो ये बोनी कैविटी में सिचुएटेड है, और किस बोन की, ये किस बोन की कैविटी है, तो ये स्फीनोइड बोन की कैविटी है, और इस कैविटी का नाम क्या होता है, सेला टर्सिका रीजन। एक बार फिर से रिपीट करेंगे सारी बातें, देखो यहां पे अपने पास हाइपोथैलेमस था, यहां पे अपने पास क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड था। अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड किससे जुड़े हुए हैं, एक स्टॉक से जुड़े हुए हैं, जिसको हमने बोला इन्फंडिबुलम। और इधर नीचे बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक बोनी कैविटी में सिचुएटेड होता है, और इस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका रीजन। और ये बोनी कैविटी है तो जाहिर सी बात है किसी बोन में ही ये प्रेजेंट होगी, तो कौन सी बोन में प्रेजेंट होगी, स्फीनोइड बोन में, है ना। इसको भूल जाए तो एक ट्रिक बताता हूं, S4 सेला टर्सिका, S4 स्फीनोइड, याद आ जाएगा कौन सी बोन थी, S4 सेला टर्सिका, S4 स्फीनोइड बोन। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। अब ये इससे कैसे कनेक्शन में होता है ये भी हम देखते हैं ना, बट उससे पहले मैं आपको एंटीरियर पोस्टीरियर बताऊंगा। देखो हम किसको पढ़ रहे हैं, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ रहे हैं, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ रहे हैं। अब सीधा सीधा क्या करो, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, है ना। अब देख लो मैं एक बार फिर से बता दूं, हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एडीनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एडीनो हाइपोफिसिस एंड न्यूरो हाइपोफिसिस।
अब एडीनो हाइपोफिसिस को भी मैंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्स डिस्टेलिस एंड एक पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, हमने क्या किया, एडीनो हाइपोफिसिस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्स डिस्टेलिस एक पार्स इंटरमीडिया। और पार्स डिस्टेलिस को ही हम क्या बोलते हैं, एपी यानी एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। 20 स्टार लगा लो, 30 स्टार लगा लो, 50 स्टार लगा लो, इस बात को एंटीरियर पिट्यूटरी किसको बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस को बोलते हैं। ठीक है, और इधर न्यूरो हाइपोफिजिस की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं हम, पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। और पार्स नर्वोसा ही अपना क्या है, पीपी यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस बात पे फिर से हम 30 स्टार लगा लेंगे, 50 स्टार लगा लेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है, अपना पार्स डिस्टेलिस, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी अपना क्या है, पार्स नर्वोसा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहां पे होने जा रही है। ठीक है, अब हमारे पास तीन पार्स है, देखो एक एक कंफ्यूजन को रिमूव करना है। हमारे पास तीन पार्स अवेलेबल हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। और पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया किसके अंडर आ रहे हैं, एडीनो हाइपोफिसिस के अंडर आ रहे हैं। ठीक है, देखो न्यूरो न्यूरो नर्वो थोड़ा रिलेट कर लेना पार्स नर्वोसा। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब मैं एनसीईआरटी की और बातें आपको बताने जा रहा हूं। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो पार्स इंटरमीडिया जो है वो लगभग लगभग क्या है, पार्स डिस्टेलिस के अंदर ही मिल चुका है। मैं फिर से रिपीट करता हूं इस बात को कि अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो पार्स इंटरमीडिया लगभग पार्स डिस्टेलिस के अंदर मिल चुका है। तो इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। मतलब क्या बोलना चाहता है कि हम इस पूरे को ही, ह्यूमंस के अंदर हम इस पूरे को ही क्या मान सकते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी मान सकते हैं। और ये अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये अपना क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पोस्टीरियर पे मैं इतना फोर्स डाल रहा हूं, क्यों डाल रहा हूं, ये आपको अभी पता लग जाएगा। देखो अभी अभी हमने किया था कि हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे कनेक्शन में है, बट हमने बात की कि एंटीरियर भी है और पोस्टीरियर भी है, तो जाहिर सी बात है पिट्यूटरी ग्लैंड में हमें डिवीजन करनी पड़ेगी एंटीरियर और पोस्टीरियर, और वो हाइपोथैलेमस के साथ कैसे कनेक्शन में है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक क्या देखा है, हमने हाइपोथैलेमस देखा है, हाइपोथैलेमस। ठीक है, और हाइपोथैलेमस नीचे किससे कनेक्टेड है, ये अपना पूरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड देखो ये अपना पूरा क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड में भी हमने क्या किया, ये अपना एंटीरियर पिट्यूटरी, ये अपना पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मतलब क्या ना क्या चाह रहा है, यहां से अगर डिवीजन कर दें तो ये अपना एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन लायक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो हाइपोथैलेमस से दोनों कनेक्टेड है, एंटीरियर पिट्यूटरी भी कनेक्टेड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कनेक्टेड है। अब मजेदार बात क्या है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो हाइपोथैलेमस से कैसे कनेक्टेड है, ये देखो यहां पे देखो, अब पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्टेड है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट कनेक्शन में। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस के साथ जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कनेक्टेड है, और हाइपोथैलेमस से जो अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट कनेक्शन में है, डायरेक्ट कनेक्शन में। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। अब देखो हम बिल्कुल क्लियरली देख चुके हैं कि अपने पास तीन पार्स अवेलेबल हैं, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो इनके अब हॉर्मोन्स को देख लेते हैं। देखो ये है अपना पार्स डिस्टेलिस, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, ये अपना पार्स इंटरमीडिया, और ये अपना पार्स नर्वोसा, जिसको हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल देते हैं। ठीक है, अब हॉर्मोन की बात करें तो पार्स डिस्टेलिस के कौन से हॉर्मोन है, ग्रोथ हॉर्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH यानी एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हैं अपने पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया की बात करें तो इसमें क्या है, MSH अपना हार्मोन है, और पार्स नर्वोसा यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करें तो इसमें दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन।
अब देखो यहां पे एक बहुत ट्विस्ट की बात है, मजे की बात है, उस पर 50 स्टार 100 स्टार हम लगा लेंगे। देखो जो ये वाले सारे हॉर्मोन है इन्हें कौन बनाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ही इन्हें बनाता है, यही इनको रिलीज करता है। एमएसएच को कौन बनाएगा, पार्स इंटरमीडिया बनाएगा, यही इनको रिलीज करेगा। बट यहां पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है किसमें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसके हॉर्मोन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। बहुत बड़ा ट्विस्ट है, 50 स्टार 100 स्टार यहां पे लगा लो। देखो जो ये ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन है इन्हें असल में बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस बनाता है। अब हाइपोथैलेमस बनाता है और वो जहां के कहां पे स्टोर हो जाएंगे, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाएंगे, है ना। तो स्टोर एंड सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन को बनाता कौन है, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस के अंदर बने और कहां, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके क्या है, स्टोर हो गए, स्टोर्ड, है ना। फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, उनको सिक्रीट कर देगा आगे, तो स्टोर्ड एंड सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। अब बारी-बारी से बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर इसके बारे में, फिर इसके बारे में, है ना। तो पहले हम शुरू करने जा रहे हैं पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ, है ना। इसके एक-एक हॉर्मोन पे बात करेंगे। एक बात यहां पे क्लियर कर दूं कि जो अपने LH एंड FSH है ये हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में ही करेंगे, क्योंकि यहां पे इनका अच्छा फ्लो नहीं बनेगा। तो यहां पे कौन से करेंगे, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं किसके साथ, ग्रोथ हार्मोन के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अब ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो इतना तो नाम से ही कवर हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन मतलब ये हार्मोन क्या करता है, इंसान की हाइट बढ़ाता है, इंसान की कद बढ़ाता है, उसकी लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इंसान के अंदर या तो ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए, कमी मतलब हाइपो सिक्रीशन, इसकी सिक्रीशन में कमी आ जाए, दूसरी तरफ हाइपर सिक्रीशन मतलब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन इंसान में ज्यादा आ जाए। तो अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन में कमी आ जाए, हाइपो सिक्रीशन हो जाए, उसको हम बोल देंगे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। देखो सिंपल सी बात है, ग्रोथ हार्मोन किसका हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो पिट्यूटरी आ गया। ड्वार्फिज्म मतलब देखो ड्वार्फ क्या होता है, बोना, ड्वार्फ मतलब बोना, तो ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो इंसान कैसा हो जाएगा, बोना हो जाएगा, तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इधर हाइपर सिक्रीशन में बात करें तो यहां पे दो केस अपने पास आएंगे कि ग्रोथ हार्मोन की जो हाइपर सिक्रीशन है या तो चाइल्ड स्टेज में हो रही है या एडल्ट स्टेज में हो रही है। मैंने क्या बोला कि ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन के दो केस अपने पास आएंगे कि या तो ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन चाइल्ड बचपन में ही हो गई या बड़ा होने के बाद एडल्ट स्टेज में हुई। तो बचपन में ही हो गई तो उस बीमारी को बोल देंगे जिजेंटिज्म, या बोल दो आप जाइजेंटिज्म, कुछ भी बोल सकते हो अपने हिसाब से, और एडल्ट स्टेज में हुई तो उसको हम बोल देंगे एक्रोमिगेली। एक्रोमिगेली बिल्कुल क्लियर है, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जाइजेंटिज्म, एक्रोमिगेली, सारी बातें क्लियर हो रही है, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन अपना क्लियर है, अब बात करते हैं प्रोलैक्टिन के बारे में। देखो प्रोलैक्टिन अपना क्या करता है, इसके दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन बेसिकली। प्रोलैक्टिन का जो एक्शन है ना कहां होगा, मेमोरी ग्लैंड पे ही होगा, मेमोरी ग्लैंड पे ही होगा। तो मेमोरी ग्लैंड में ये दो चीजें बनाएगा, है ना, दो चीजें बनाएगा, है ना। ये पहला काम क्या करेगा कि मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, कि मेमोरी ग्लैंड का जो भी साइज है उसकी ग्रोथ को, ना, ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। दूसरा काम क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क फॉर्मेशन कराएगा। अब प्रोलैक्टिन, मैंने बोला प्रोलैक्टिन के दो फंक्शन होते हैं और दोनों के दोनों फंक्शन कहां है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर है। ये पहला फंक्शन क्या है कि मेमोरी ग्लैंड के साइज को, है ना, उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करेगा। दूसरा क्या है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, मिल्क की फॉर्मेशन होती है, तो मिल्क की फॉर्मेशन कराएगा प्रोलैक्टिन। देखो यहां पे ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन में मैं फिर से बताऊंगा कि मिल्क की फॉर्मेशन सिंथेसाइज कौन कराता है मेमोरी ग्लैंड में, प्रोलैक्टिन, और मिल्क के बाहर आने में कौन मदद करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ऑक्सीटोसिन। वो ऑक्सीटोसिन में मैं बात बताऊंगा आपको बाद में, पहले इतना याद रखो, है ना, मिल्क की फॉर्मेशन का क्वेश्चन आए तो आंसर जाएगा प्रोलैक्टिन, ठीक है। तो प्रोलैक्टिन भी अपना क्लियर है, अब हम करते हैं TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
अब हम बात कर रहे हैं TSH की। देखो ये तो नाम से ही कवर हो रहा है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर देगा, ना नाम से ही कवर हो रहा है कि ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर देगा, स्टिमुलेट्स थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन, ना थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है। अब हम आगे करते हैं, क्या ACTH की बात करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट अपना हार्मोन है ACTH, यानी एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। ये बेसिकली करता क्या है, स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन को क्या बोलते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड। कहां से, एड्रिनल कॉर्टेक्स, है ना। बेसिकली क्या है, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, है ना। अब ये स्टीरॉयड हार्मोन क्या चीज होती है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या चीज होती है, एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या चीज होती है, इसको सब भूल जाओ। यहां पे बस आप इसकी फुल फॉर्म याद रखो, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये सब अपना एड्रिनल ग्लैंड में कवर ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये सब अपना कवर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर है। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था कि LH और FSH हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में करेंगे। तो अपना क्या है, ये हो गया। पार्स डिस्टेलिस यानी एंटीरियर पिट्यूटरी अपना खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं पार्स इंटरमीडिया के ऊपर, यानी इसका एक ही हार्मोन अपने को याद रखना है, MSH। अब हम बात कर रहे हैं MSH के बारे में, है ना। MSH की फुल फॉर्म क्या है, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। नाम से ही कवर हो रहा है कि ये मिलेनोसाइट की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा, है ना। किस पे एक्ट करेगा, MSH किस पे एक्ट करेगा, नाम से ही कवर हो रहा है, मिलेनोसाइट्स पे ये एक्ट करेगा। अब मिलेनोसाइट्स होती क्या है, तो NCERT में साफ-साफ लिखा हुआ है कि मिलेनोसाइट्स क्या होती हैं। देखो साइट मतलब सेल, मिलेनो मतलब मिलेनिन, मतलब मिलेनिन कंटेनिंग सेल, है ना। मिलेनोसाइट मतलब, देखो साइट मतलब क्या होता है, सेल, और मिलेनो मतलब मिलेनिन, मतलब जिन सेल के अंदर मिलेनिन होता है वो हो गई अपनी मिलेनोसाइट, है ना। और ये मिलेनोसाइट यानी मिलेनिन क्या करता है, अपना पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, है ना। फॉर एग्जांपल देखो मिलेनिन बेसिकली होता क्या है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा मिलेनिन है तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा। किसी के अंदर मिलेनिन बहुत कम है तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा गोरा हो जाएगा। तो ये सब कहां से रेगुलेट हो रहा है, अपना मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी MSH से अपना रेगुलेट हो रहा है। अब हम बात करने वाले हैं पार्स नर्वोसा के बारे में, यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स के बारे में। कौन से हॉर्मोन हमने देखे, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। और ये बात भी हम क्लियर कर चुके हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो सिर्फ इन दो हॉर्मोन को स्टोर करती है और सिक्रीट करती है ना। इन्हें बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस बनाता है। ये एक बहुत अच्छी ट्विस्ट की बात थी, इस पे हम 50 स्टार लगा लेंगे ना, ये बात हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है कि ऑक्सीटोसिन असल में करता क्या है और वैसोप्रेसिन क्या करता है। तो पहले हम देख लेते हैं किसके बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में देख लेते हैं। देखो ऑक्सीटोसिन का आते ही, ऑक्सीटोसिन आपके सामने आते ही एक बात याद रखनी है कि ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। ठीक है, अब क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा, देखो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है ये बात तो ठीक है, अब क्वेश्चन कहां पूछा जाएगा कि फीमेल्स के अंदर कहां पे वो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ये इसका सुपर हिट क्वेश्चन है, इससे अलग पूछा ही नहीं जाता। देखो फीमेल्स के अंदर ऑक्सीटोसिन यूट्रस की मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और दूसरी कहां, फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। ठीक है, अब क्यों कराएगा, सीधी सी बात है कुछ तो रीजन होगा जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे, तो सिंपल बात है। देखो चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, देखो बच्चा पैदा हो रहा है, अब बच्चा पैदा होगा तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस के अंदर मसल्स की विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब उस कॉन्ट्रैक्शन से फायदा क्या होगा, जो बच्चा पैदा हो रहा है उसको बाहर आने में मदद मिलेगी, है ना। मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, बच्चे को बाहर आने में मदद मिलेगी, तो ये रीजन अपने को समझ में आ गया, है ना। क्या किया, यूट्रस के अंदर विगरस कॉन्ट्रैक्शन कराई ऑक्सीटोसिन ने फीमेल में। ठीक है, और दूसरी बात क्या करेगा, वो मेमरी ग्लैंड में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराएगा। अब मेमरी ग्लैंड में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन का फायदा क्या है, कि मेमरी ग्लैंड से हमें मिल्क, दूध, मिल्क को बाहर निकालना है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन से वो मिल्क बाहर आ जाएगा, मिल्क बाहर इजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें यूट्रस में और मेमरी ग्लैंड में, इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने बनाता हूं। देखो
अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि मिल्क की सिंथेसिस कौन सा हार्मोन करता है, तो आंसर जाएगा प्रोलैक्टिन। मैंने प्रोलैक्टिन में भी ये बात बोली थी, मिल्क की सिंथेसिस कौन करवाएगा, प्रोलैक्टिन। और मिल्क इजेक्टिंग, मिल्क को बाहर कौन निकलवा रहा है, अपना ऑक्सीटोसिन, है ना, इसीलिए इसको मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोल देते हैं। या इसका दूसरा नाम मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन ना, मिल्क को बाहर आने में ये मदद कर रहा है। इतनी बातें क्लियर है मेरे ख्याल से, ऑक्सीटोसिन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। यूट्रस मेमरी ग्लैंड फीमेल के अंदर मसल की कॉन्ट्रैक्शन, स्मूथ मसल की, इतनी बातें क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वैसोप्रेसिन के बारे में है, वैसोप्रेसिन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं वैसोप्रेसिन के बारे में, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम होता है ADH, ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, है ना। देखो वैसोप्रेसिन में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, मैं इसकी सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, सिंपल सी ट्रिक। देखो एंटी मतलब क्या होता है, एंटी मतलब खिलाफ, डायूरेटिक मतलब यूरिन के खिलाफ। ऐसे याद रखना कि ये हार्मोन यूरिन के खिलाफ है ना, यूरिन के खिलाफ मतलब जो बॉडी से यूरिन निकल रहा है ये उसके खिलाफ है, मतलब ये यूरिन को निकलने नहीं देगा, ये पानी को, यूरिन में क्या होता है पानी होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उनको निकलने नहीं देगा, है ना। तो बेसिकली ये कराएगा क्या, ये DCT यानी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे रीअब्सॉर्प्शन बढ़ा देगा, किसकी, वॉटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से ध्यान दो कि ये यूरिन के खिलाफ है, मतलब पानी को यूरिन के थ्रू नहीं जाने देगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन के थ्रू नहीं आने देगा, बिल्कुल खिलाफ है ना, बॉडी में इनको बचा के रखेगा, रीअब्सॉर्प्शन कराएगा वाटर की, इलेक्ट्रोलाइट्स की। सीधी सीधी बात है, वाटर लॉस को ये रिड्यूस करेगा, बॉडी में पानी को, इलेक्ट्रोलाइट्स को बना के रखेगा, यूरिन में नहीं बहने देगा, हां यूरिन के खिलाफ है, एंटी डायूरेटिक, ठीक है। अब इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर ये वैसोप्रेसिन या ADH के साथ कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अब सिंपल सी बात है यार, अगर ADH के साथ गड़बड़ी हो गई तो ये क्या कर रहा था, देखो बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट को बचा के रख रहा था, और इसके साथ गड़बड़ी हो जाएगी तो बॉडी में पानी और इलेक्ट्रोलाइट नहीं बचेगा, बार बार बाहर यूरिन के थ्रू बहता रहेगा, मतलब वॉटर लॉस होगा, बॉडी से बाहर पानी जा रहा है ना यूरिन के थ्रू, डिहाइड्रेशन। तो सीधी सी बात है यार, बॉडी में पानी बच ही नहीं रहा, बार बार हम यूरिनेशन कर रहे हैं, बार बार यूरिनेशन ना बार बार जा रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन तो होगी, पानी की कमी होती जा रही है, ठीक है। अब यहां तक की मैं आपको समरी बता दूं, हम यहां पे अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड, खत्म कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं क्या, पीनियल ग्लैंड अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड के बारे में NCERT में इससे अलग एक भी वर्ड आपको नहीं मिलेगा। देखो पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है उसका नाम है मेलाटोनिन, ठीक है। यहां पे एक कंफ्यूजन से यहीं पे बच जाओ कि मेलानिन एक अलग चीज थी जो हमने कहा की थी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने MSH में, यहां पे क्या है अपना मेलाटोनिन है ना। पीनियल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन सिक्रीट करता है। अब मेलाटोनिन के फंक्शन, ये वाले फंक्शन NCERT में दिए हुए कि ये तो एक 24 आवर रिदम बॉडी की बना के रखता है, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल हो गई, बॉडी का टेम्परेचर हो गया, और क्या ये मेटाबॉलिज्म में भी इसका लेना देना है, और क्या है पिगमेंटेशन में भी इसका लेना देना है, और क्या है डिफेंस, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म यानी इम्यूनिटी में भी इसका लेना देना है, और क्या है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इसका लेना देना है। ये सब एक एक वर्ड NCERT में लिखा है। देखो पीनियल ग्लैंड में जनरली क्या होता है, हम ये 24 आवर रिदम याद रख लेते हैं, बाकी सारे भूल जाते हैं, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। और जो बोलते हैं ना कि तीसरी आंख, तो ये पीनियल ग्लैंड होता है, जो बोलते हैं ना तीसरी आंख, तो ये पीनियल ग्लैंड ही होता है, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड भी यहां पे अपना खत्म है, ठीक है, और बाकी का पोर्शन हम करेंगे Part 2 में। लगभग जितने लेंथ की ये वीडियो है इतने ही लेंथ की बनेगी, आगे जल्दी जल्दी काम होगा, इतना सा था, ठीक है। थैंक यू।